हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक अच्छा शेयर लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं इसका एनालाइज। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शेयर का नाम है एसटीएल ग्लोबल लिमिटेड। काफ़ी अच्छे शेयर हैं इस कंपनी के। इस कंपनी की जब शुरुआत हुई थी तो इस कंपनी के शेयर का रेट जो आपके सामने हम बता देते हैं कितना, 50 रुपये के आसपास था। और इसने हाईएस्ट अपना परफॉर्मेंस किया है 80 रुपये, 80 रुपये के आसपास किया है। और सबसे कम रहा है इस कंपनी के शेयर का दाम, केवल 1.5 रुपये, 1.50 रुपये रहा है एसटीएल ग्लोबल लिमिटेड का। फिलहाल करंट सिचुएशन देखते हैं तो इसका जो प्राइस है 10 रुपये पर चल रहा है। अब हम बात करते हैं 52 वीक का परफॉर्मेंस। 52 वीक पहले इसका जो रेट था 5 रुपये था, और 52 वीक बाद 10 रुपये, मतलब डबल हो चुका है। ये आने वाले भविष्य के लिए अच्छा शेयर है, क्योंकि इस शेयर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी जो मिनिमम एवरेज रहती है 20 से 30 रुपये के आसपास तो रहती रहती है। इससे आप देख सकते हैं। और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस लगातार बढ़ रही है, और सबसे अधिक इसने अचीव किया था जो इंट्राडे में टच किया 10 रुपये 9 पैसा। शॉर्ट टर्म ड्राइवर नेगेटिव हैं और लॉन्ग टर्म ड्राइवर नेगेटिव है, मतलब पैनिक स्टॉक होने के नाते इतना भी पैनिक स्टॉक नहीं कि इस शेयर के दाम कम ही रहें। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालाइज की, तो बुलिश की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन न्यूट्रल भी कम नहीं है, इसलिए इसमें कुछ रिस्क रह सकता है, इसलिए हो सकता है कि इसके शेयर के दाम ज़्यादा बढ़ जाएँ। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स। ये जो कंपनी है, जो इसकी क्वालिटी है बिलो एवरेज है, और 149 रैंक 306 कंपनी जो टेक्सटाइल सेक्टर की है। ये जो शेयर टेक्सटाइल सेक्टर का है, यदि टेक्सटाइल सेक्टर में अच्छा काम होता है तो इस शेयर के दाम बढ़ जाएंगे। वैल्यूएशन क्वालिफाइड नहीं है और फाइनेंशियल नेगेटिव है। नेगेटिव होने के बाद जो इसकी नेट की सेल होती है 22.5 करोड़ के आसपास होती है, और 9 महीने में सबसे अधिक ग्रोथ इतने की थी 43 करोड़ के आसपास। ये हाइएस्ट है जिस समय इससे शेयर का दाम 80 रुपये था। स्टॉक डीएनए की बात कर, स्टॉक में इसका योगदान 40%, सेक्टर में 52 और ट्रेंडेक्स में 20%, मतलब दूसरी जो टेक्सटाइल कंपनी है उनके मुकाबले कम है, इसलिए इसका रेट बिल्कुल कम ही रहता है, 20 से 40 के आसपास तो ये रहता ही रहता है। इंडस्ट्री की बात कर दें, मार्केट इंडस्ट्री जो है ये इंडस्ट्री टेक्सटाइल की है, और मार्केट कैप है 25 करोड़, केवल 25 करोड़ रुपये मार्केट कैप कम है। पी रेशियो की बात करें तो फिलहाल माइनस में चल रहा है, यदि पॉजिटिव प्लस में आ जाता है तो इस शेयर के दाम 40 से 60 के आसपास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रोमोटर 66 म्यूचुअल फंड में योगदान नहीं है, नॉन इंस्टीट्यूट में 32% तक इसने अपनी भागीदारी की है। कुल मिला के देखा जाए तो एसटीएल ग्लोबल लिमिटेड को आप ले सकते हैं, लेकिन डिलीवरी होल्डिंग के अंदर। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।